सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल हंस को और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ जानने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो OBC एंड जो जनरल कैटेगरीज हैं उनको जो राजस्थान की जो भी भर्ती होगी उन सभी में जो फ़ीस रहेगी SC ST के बराबर ही फ़ीस देनी पड़ेगी। SC ST के इक्वली उनको जो फ़ीस का जो चार्जेस रहेगी एग्ज़ाम फ़ीस वही रहेगी। तो उससे संबंधित हमने आपको एक वीडियो भी बनाया था उससे संबंधित, एंड जो आज उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो नोटिफिकेशन आ चुका है राजस्थान सरकार की तरफ से कि जो सभी वर्गों के अभ्यर्थी है जिनमें OBC एंड जनरल कैटेगरीज के लिए है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग जयपुर दिनांक 2 मई 2018। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बता रखा है कि विषय जो समस्त भर्ती परीक्षा चयन परीक्षा के प्रवेश करने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के संबंध में तो राजस्थान में के प्रचलित सेवा नियम में विहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग एंड जो राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है। तो उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय है जो एनुअल इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से आपके अगर जो एनुअल इनकम कम है तो आपकी जो फ़ीस रहेगी इनमें एग्ज़ाम की भर्ती के अंदर फ़ीस रहेगी जो आपको SC ST के समान ही पे करनी पड़ेगी। तो 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए किसी भी भर्ती परीक्षा या चयन में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन शुल्क करना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या प्रवेश परीक्षा होती है जैसे, तो उन सभी में फ़ीस रहेगी जो SC ST के इक्वली रहेगी। ये आदेश वित्त विभाग की ID संख्या 10/180/22/87 दिनांक 23 अप्रैल 2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। भास्कर एस सावत, शासन सचिव राजस्थान सरकार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ आप सभी के लिए है। तो OBC एंड जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान के जो अभ्यर्थी है उन्हीं के लिए है कि उनको ही ये फ़ीस भरनी पड़ेगी, एंड जो सेकंड शर्त है कि 2.5 लाख रुपए से उनकी जो वार्षिक आय है कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से कम नहीं है तो प्लीज़ जो इस नियम को काम में नहीं ले, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम आपको जो ये आपका इनकम सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम, तो आपको जो आपका सिलेक्शन रद्द किया जा सकता है या फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन सभी नियमों को ध्यान में रख के इस नियम को एंड जो ये सुविधा दी है राजस्थान सरकार ने, इसको काम में ले। तो ये सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए है एंड जो जनरल OBC अभ्यर्थियों के लिए है।